Hello everyone, let's consider this 10th problem. That's a good one. So ye bolta hai ki the coefficient of friction between an insect and a hemispherical ball of radius r is mu. Maximum height which the insect can crawl in the ball is, so ye ek ball hai aur iska radius r diya gaya, friction coefficient mu given hai. एक इंसेक्ट यहाँ से क्रॉल करना स्टार्ट करता है. आपने देखा होगा कभी क्रॉल, अगर कोई इंसेक्ट किसी बॉल में क्रॉल करता है तो कई बार वो एक हाइट तक चलता है, उसके बाद फिर वो स्लाइड करना स्टार्ट करता है. सो मैक्सिमम कहाँ तक वो राइज कर सकता है ये अपने को पता करना है. सो वी नो कि वो जो इंसेक्ट होगा ना, उसकी क्रॉलिंग के लिए फ्रिक्शन फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है. जिस तरह से वी वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन अपने को आगे लेके जाता है. एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से इंसेक्ट को भी फ्रिक्शन आगे लेके जाएगा और इस पे हाइट पे लेके जाएगा. रफनेस की वजह से किसी हाइट तक जाएगा. सो लेट्स से कि वो यहाँ से यहाँ तक जाता है जो कि थीटा एंगल बना हुआ है. सो अपने को अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन ज्वाइन करेंगे, सो दिस इज द हाइट, वो अपने को पता करना है. दैट मीन्स दिस इज द मैक्सिमम थीटा. अगर ये बना पाता है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, सो ये मैक्सिमम हाइट बराबर हो जाएगी. ना उस केस में होगा क्या कि ये जो फ्रिक्शन है ना, वो अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा. सो एक तो इस पॉइंट को यूज़ करना है. दूसरा, इसका एफ बी डी बनाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन इधर एड करेगा, एम जी नीचे एड करेगा, फ्रिक्शन इधर एड करेगा. इस समय इक्विलिब्रियम पर होगा, जस्ट स्लाइड करने की कंडीशन पर है. सो दैट्स मैक्सिमम हाइट इट इज इन. सो द फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग एट द लिमिटिंग कंडीशन. और कंपोनेंट कर लेंगे, एम जी का इधर एक कंपोनेंट आएगा. आप जानते हो, यूज टू हो गया कई बार, है ना. एम जी कॉस थीटा आएगा, इधर एम जी साइन थीटा आएगा. सो एफ एस की मैक्स वैल्यू एम जी साइन थीटा हो जाएगी. मोर ओवर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर रहा होगा. और सिंस ये मैक्सिमम है लिमिटिंग केस में, तो म्यू एन के इक्वल हो जाएगा. इन सारी इक्वेशंस को मर्ज कर दिया तो आपने एफ एक्स की वैल्यू रख दिया जो कि एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एन का वैल्यू प्लेस कर दिया एम जी कॉस थीटा है. एम जी को कैंसिल करके साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा बन गया, म्यू आ गया. सो टेन थीटा की वैल्यू म्यू रहेगी, ये अपने को पता चल गया. दैट मीन्स वी गॉट टू नो हाउ मच दिस एंगल इज. सो हाउ मच दिस मैक्सिमम एंगल विल बी, वो अपने को पता चल गया. अगर ये थीटा है, ये आर है, देन यू फाइंड ये आर कॉस थीटा हो जाएगी. टोटल आर थी, उसमें से अगर आर कॉस थीटा कम कर दें तो एच हो जाएगी. तो फिगर से हम बोलेंगे कि एच की वैल्यू आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट मीन्स आर एच इज इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा के बराबर है. नाउ सिंस टेन थीटा की वैल्यू म्यू है, तो जिसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू म्यू बाई वन है. एक छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करो, म्यू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, और ये हाइपोटेनस आएगा वन प्लस म्यू स्क्वायर. सो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर. सो ऐसे कॉस थीटा आएगा, अपने कॉस थीटा लगना था. तो एच की वैल्यू आ जाएगी आर विद इन ब्रैकेट वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज्ड. एंड इफ़ यू लुक एट द केयरफुली देन यूल फाइंड कि ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी मैच कर रहा है परफेक्टली, इसलिए बी को आप मार्क कर दोगे. बी विल बिकम द करेक्ट रिस्पॉन्स. थैंक यू.